पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हित चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला उदयराज सिंह के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना रेहरा बाजार के नेतृत्व में आज रेहरा बाजार पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मुकदमे में धर्म विरुद्ध धर्म पसंद परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से संबंधित अभियुक्त मोहरमा और शहजादी पुत्री गुलाम नबी साहिबा और साहिबा को गिरफ्तार किया है। थाने में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोस के रहने वाले जो पड़ोसी हैं उन्होंने उनको मकान बेचकर चले जाने, धर्म बदल कर परिवर्तन करने, परिवार को मारने पीटने, जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए हैं। इस आरोप पर थाना रेहरा बाजार में अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है और इसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें 6-7 अभियुक्त हैं, 7 में से 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष को भी प्रयास किया जा रहा है गिरफ्तार करने का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।